के कई जिलों में बाढ़ ने किसानों की लाखों एकड़ फसलें बर्बाद करके रख दी हैं। बाढ़ की तबाही ने एक ओर जहां किसानों की कमर तोड़ दी है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को सरकार से राहत के रूप में मुआवजे की आस है। लेकिन इसी उम्मीद के बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि जो भी बाढ़ पीड़ित किसान अपने खेतों में दोबारा से जीरी लगाएगा, उसे मुआवजा नहीं दिया जाएगा, जिसको लेकर किसानों में अफरा तफरी का माहौल है। जी हाँ, कुरुक्षेत्र में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुँचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने भी पत्रकारों ने ये सवाल उठाया, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने क्या कहा, सुनिए। कुछ देंगे जो दोबारा धान लगा रहे हैं, उनके लिए क्या है? देखिए, अभी असेसमेंट हम कर रहे हैं कि कितनी धान दोबारा लग पाएगी, कितनी नहीं लग पाएगी, क्योंकि अभी धान जो है बासमती की धान ही लग रही है और उसकी जीरी लोग लेने की कोशिश, यानी प्योद लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ जिलों में से उनको प्योद मिल रही है। अब ज़्यादा लोग लगाएं, हमारा तो ये कहना है, फिर भी उनके खर्चे के हिसाब से उसका एक असेसमेंट करेंगे कि कितना उनको दिया जा सकता है। लेकिन जिन्होंने नहीं लगाई है, जिनके खेत खराब हो गए हैं, उनको 15,000। कुरुक्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के बाद सीएम खट्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों के साथ बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया और कहा कि किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से 15,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वहीं बाढ़ के चलते फसलों के अलावा जो भी घरेलू नुकसान हुए हैं, उसकी भरपाई भी सरकार करेगी। जायजा लिया, आपको क्या लगा वहाँ पे, कितना एरिया खराब हुआ है क्षेत्र की बात की जाए तो? कुरुक्षेत्र में जो हमारे पास अभी आंकड़ा है कि 15,000 एकड़ ये खराब हुआ है, उस 15,000 एकड़ में दोबारा से कितना और जीरी लगाई जा सकेगी, ये अभी असेसमेंट आनी शेष है। उसका जैसे लोग लगा लेंगे और 31 जुलाई के आसपास हम उसका वेरिफिकेशन कराएंगे और उस वेरिफिकेशन के बाद ही ये पता लगेगा कितनी फसल पूरी खराब हो गई और कितने में दोबारा से रोपाई हुई है। लोगों का काफी सामान भी खराब हुआ, मकान भी खराब हुआ, क्या कहेंगे? आज ही मैंने एक उन लोगों को निर्देश दिए हैं जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है, अभी तक तो उसमें फसल के नुकसान की ही भरपाई यानी एंट्री होती है। अब हम एक आधे में उसमें कर देंगे कि जो बाकी लॉस है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ एसेट्स, वो भी सारे उसमें भराए जा सकें। खास करके मकान टूट गए हैं, किसी के पशु का देहांत हो गया है, किसी की फैक्ट्री के अंदर कोई सामान जो है वो खराब हुआ है, किसी की दुकान में सामान खराब हुआ है, वो सारा लॉस का आकलन हमारी डिप्टी कमिश्नर की टीम है। अभी भी मैंने निर्देश दिए या कुरुक्षेत्र जिले की टीम को कि हर प्रकार के लॉस का असेसमेंट करें। हम ये ठीक है कि शायद पूरा नुकसान न भी दिया जा सके, लेकिन लोगों के नुकसान जो हुआ है उसकी जो होगी मरहम कम से कम लगाई जा सके, उनको कुछ ना कुछ सहायता दी जा सके, ऐसा हम लोग अधिकारियों की मीटिंग ली है सर, इसमें कोई खास चीज नहीं, वही चीजें असेसमेंट के नाते से तो ये कर ही रहे हैं, अभी पूरा असेसमेंट नहीं आया है, लेकिन हमने इनको निर्देश दिया कि किस किस प्रकार के असेसमेंट करने हैं और खास करके हेल्थ डिपार्टमेंट और म्यूनसिपैलिटीज, इनको भी एक्टिव होना पड़ेगा, सफाई ठीक से हो जाए, बीमारी ना फैले, उसके नाते से फॉगिंग है, उसके नाते से छोटे छोटे कैंप लगाने की बात है, जो प्रारंभ में ही बीमारी हो जाती है, कहीं स्किन की डिजीज है, कहीं को बुखार है, कहीं खांसी है, कहीं जुकाम है, कहीं पेचिस है, इन सब चीज़ों की रोकथाम के लिए एक्टिव होकर के, और जब तक ये बरसात का सीजन है तब तक जरूर एक्टिव रह करके चीज़ों पर काम। तो टांगरी और सरस्वती में पानी आया तो भाई हुई, तो इन बचाव किस तरह, चोड़ी नदी की जा सकती है, गहरी की जा सकती है? आगे चल करके ये लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं और हमने ये कहा भी है कि सैटेलाइट से हम एक इस समय का इमेज ले रहे हैं कि पानी कहाँ का रुका है और कहाँ पानी ज़्यादा भरा है, जो पानी का बहाव का क्षेत्र है उसका जो रेवेन्यू में जितना रिकॉर्ड है उतने रास्ते को खुलवाया जाए कि एनक्रोचमेंट उसको ठीक किया जाए। अभी सरस्वती नदी की मुझे शिकायत मिली है कि यहाँ लोगों ने एनक्रोचमेंट कर लिया और एनक्रोचमेंट करने के बाद जो रास्ता 25-30 फुट का रेवेन्यू रिकॉर्ड में है वहाँ भी 10-15 फुट बचाए लोगों ने उसको एक प्रकार से एनक्रोचमेंट किया है। तो सारा विषय ये लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ विधायक सुभाष सुधा, विधायक रामकरण काला समेत डीसी और एसपी भी मौजूद रहे। बता दें कि बाढ़ की वजह से कुरुक्षेत्र जिले में 15,000 एकड़ फसलों को नुकसान हुआ है। कुछ किसान दोबारा से खेतों में जीरी लगा रहे हैं, जबकि ज्यादातर किसानों की फसलें समेत सारे अरमान बाढ़ में बह गए हैं। हालांकि बाढ़ की तबाही को देखते हुए विपक्षी दलों द्वारा प्रति एकड़ 40,000 मुआवजे की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार प्रति एकड़ 15,000 ही मुआवजा दे रही है। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।